हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट। सो आज का रीडिंग कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य अगले 10 दिन के अंदर क्या कुछ आने वाला है। 10 द 10 नंबर सजेस्ट्स एक्सक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस, जो बदलाव जो आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। सो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग। एंड मैंने जैसे आपके लिए बहुत सारे एक्सक्लूसिव फिर इंट्यूटिव कार्ड्स बनाए हैं ताकि आप जानकारी हासिल कर पाए। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 10 दिन के अंदर क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 10 डेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर श्योर। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें अगले 10 दिन किस तरह से होंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज गाइड करें। So we do have the moon card. We do have the emperor card. यहाँ पे है knight of cups. Okay. We do have the nine of cups. यहाँ पे है temperance की energy. यहाँ पे है हमारे पास four of pentacles. यहाँ पे है the tower. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है थ्री ऑफ वैंड्स। जितना तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ, पाइशस कैंसर एंड स्कॉर्पियो कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस। टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। एरीज एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है। मेष और वृश्चिक राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस है। एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा भी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है 18, 4, 14, 9, सो 4, 4 कैन बी इम्पोर्टेंट, 11, 11 कैन बी इम्पोर्टेंट एंड 16, दैट इज 7। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि इन द कमिंग डेज, इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के ऊपर दस्तखत करना पड़ सकता है। राइट, यू हैव टू डू सिग्नेचर्स ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। चाहे आप ऑनलाइन अब सबमिट कर रहे हैं अपना सिग्नेचर या आप ऑफलाइन कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके विजिट करना भी हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ऑफिस क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि वो एक बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, दूसरा वो है कि कोई भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तीसरा कोई म्यूनिसिपलिटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से भी हो सकता है, चौथा कि आपको कोई गेजेटेड ऑफिसर या लेवल समथिंग लेवल 2 लेवल 3 एग्जीक्यूटिव्स के साथ आपको मुलाकात करने पड़े। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बॉस आपके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वो आपके ऊपर ही करते हैं। सो मे बी यू हैव टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स। वो हो सकता है कि आपको वर्क लोड दे, वर्क प्रेशर दे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे वो कितना भी आपको देंगे, आप आसानी से ना एडजस्ट कर लेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ, अपने जो पर्सनल लाइफ है, या अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टडीज़ भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तभी भी जहाँ पे आप नौकरी करते हैं तो वहाँ का ना बॉस बोलो, अपर मैनेजमेंट बोलो, राइट, दे हैव द मोस्ट ट्रस्ट ऑन यू। मे बी यू आर वर्किंग एज अ ट्रेनी इन सम डिपार्टमेंट, सो हो सकता है कि उनका सबसे ज़्यादा जो है अटेंशन आपके ऊपर है, क्योंकि आप जाते हैं तो काम उठ जाता है, आप नहीं जाते हैं तो काम का कोई ठिकाना ही नहीं है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है
कुछ लोगों के लिए आप क्लियरली अपने सोलमेट, या आप बोल सकते हैं अपने एक्स या किसी भी पर्सन जो आपके इतना दिन से करीब हुआ करते थे, उनको आप बोल देंगे कि देखो दिस इज माई लिमिटेशन एंड यू कैन नॉट क्रॉस दोज लिमिट्स। आप मुझे ऐसे ही नहीं बोल सकते, ठीक है? आप मुझे सही से रेस्पेक्ट देना सीखो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप विथ यू। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोचे थे कि अपना घर जो है, मकान जो है, पुराना मकान जो है वो सेल करेंगे, लेकिन आप ये भी डिसाइड करेंगे कि जब तक आपका वो कोई फेयर प्राइस ना मिले सो आप उसको सेल तो नहीं करने वाले। मतलब यहाँ पे बदलाव दिखाई दे रहा है इन द मेंटेलिटी। कुछ ब्रेकअप, कुछ यू कैन से रिकन्सिलिएशन आपका हो सकता है ब्रेकअप के बाद रिकन्सिलिएशन। एंड अगर रिकन्सिलिएशन हो जाता है तो जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स थे वो 99.9% सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए आपके ज़िंदगी में अगर तूफान भी आ जाए ना विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, सम वन विल बी देयर टू सेव यू, सम पर्सन विल बी देयर टू सेव यू। जिस तरह से आप देख रहे हो, मैं आपको पूरी तरह से एक्चुअल पिक्चर बता देती हूँ। ये जो इंसान है, दिस पर्सन इज सिटिंग स्टैंडिंग ऑन द टेरेस, ठीक है? पानी यहाँ तक आ चुका है, कुछ समय के बाद पानी यहाँ तक आ जाएगा। सो दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो उसका ऐसा हो सकता है इधर तो वो उसको मरना पड़ेगा या उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे दूर से एक शिप दिखाई दे रहा है। नाउ दिस शिप इज गोइंग टू कम एंड रेस्क्यू दिस पर्सन, बट शुड दिस पर्सन वेट फॉर द शिप या ये कोई टेक्निक निकाल कर ये खुद शिप तक पहुँच सकते हैं? क्योंकि बीच में जो हॉलो पोर्शन आप देख रहे हो वो इट्स लाइक अ बरमूडा ट्रायंगल, जो अजीब है, जो अनजान है, ठीक है? और ये शिप इसके अंदर भी चला जा सकता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? पानी यहाँ तक चलाएगा और वो बचेगा भी नहीं। सो लाइक दैट यू नो व्हाट, कि यू विल डेफिनेटली डिसाइड वेदर यू शुड सबमिट समथिंग, वेदर यू शुड सरेंडर समथिंग, और यू वुड लाइक टू वेट फॉर दैट पर्सन। इधर तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट का, रिन्यूअल का, या आप खुद ही अपने दिमाग से आइडियाज़ निकाल कर वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी इच्छाएं जो है पूरी होगी। बहुत सारे लोग डेटिंग में जा सकते हैं या डेटिंग ऐप से आपका कॉन्टैक्ट बढ़ सकता है, या आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वार्तालाप होगा, और आप उनके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उनके सोशल स्टेटस के बारे में जानेंगे, खुद का भी शेयर करेंगे, ठीक है? जो शायद आप दोनों की रजामंदी से एक नतीजे पे तो आप पहुंचेंगे। कुछ लोग प्राइवेट डिस्कशंस करेंगे ऑफिस में भी, कुछ लोग डेफिनेटली मीटिंग्स अटेंड करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे, कुछ लोग का अपना मनपसंद जगह पे आपका ट्रांसफर का लेटर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये भी कह दे कि आप अपने वाइफ, हस्बैंड, जो भी हैं, बच्चे, उनको लेके आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसी तरह से कुछ तो खुशखबरी यहाँ पे होगा। कुछ सीक्रेट्स अच्छा है कि अगर आप बोल देते हो तो बेटर है, अपने को बोल देते हो, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हो तो अच्छा है, वरना क्या होगा? क्योंकि मुझे जितना तक दिख रहा है, लाइक यू नो समवन मे ट्राई टू प्रिटेंड कि आप बहुत गलत काम किए हो और आपके पेरेंट्स या आपके नियर एंड डियर वंस को वो बहका सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं। सो बेटर इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगे कि नहीं मेरा जो सीक्रेट है मुझे बोल देना चाहिए, एटलीस्ट मेरे मम्मी पापा को, सब बोल सकते हैं, या अपने पार्टनर को, सोलमेट को, ठीक है? अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर कार्ड्स। यहाँ से हम 3 कार्ड पिकअप करेंगे। सो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज क्या होने वाला है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी सीरियस फेस सीरियस नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ, ठीक है, किसी और का आइडिया इस्तेमाल करके जो है आप कुछ अनोखा ही बनाएंगे, ठीक है? बिकॉज द वैनिला आइसक्रीम प्लस यू कैन से लाइक वी कैन से लाइक इफ यू कंसिडर इट लाइक इन अ रेड वेलवेट केक, उसके ऊपर आइसक्रीम, इट द कम्बिनेशन इज एनफ लाइक फॉर अ गुड मील, या उससे ज़्यादा ट्रीट अच्छा हो ही नहीं सकता।
ठीक है, चॉकलेट सॉस, ओके, वी हैव अ कैरामल कस्टर्ड, ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आर ग्रेट. मैं फूड को लेके बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ को लेके बोला जा सकता है कि उसमें एक आप नया रूप दे रहे हो उस चीज़ को. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड कर. विद इन द नेक्स्ट 10 डेज हॉर्स प्ले वी डू हैव लिविंग गॉडेस, ओके, और यहाँ पे है एलिक्सिर फ्रूट और एसेंस. एलिक्सिर इज दैट पोशन, POTION, जो यहाँ पे देखो गणेश जी लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टेकल्स. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप ना भगवान के साथ, जो बोला जाता है ना कि साक्षात उनका दर्शन हो जाना किसी भी रूप में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गॉड कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ डोसा विच आई सॉ, ओके, रिटन ओवर सम एरियाज एंड रियली इट इज ट्रू. भगवान आपके घर में कभी भी किसी भी फॉर्म पे आ सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक. सो यू हैव टू डू सेवा बेसिकली. मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आपके कनेक्शन बनेंगे विद द स्पिरिचुअल रियल्म, एंड आपको कुछ ऐसा खजाना, मतलब मैं नहीं बोल रही कि ट्रेजर मिलेगा, मतलब वो ज्वेलरात या एवरीथिंग आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऐसा कुछ आइडिया, उसको इस्तेमाल करने के बाद आपका मुनाफा ही मुनाफा होगा, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ेगा, आप कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, ओके, एंड आप हटके काम करेंगे, यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट लाइक सम सेंशुअल कनेक्शंस आर ऑल्सो कमिंग टूअर्ड्स यू. बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज रुकावट भी होंगे, ठीक है. सो हो सके आप विघ्न हर्ता जो है गणेश जी का पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि गणेश जी का पूजा करने से आपका क्या होगा, आपको मन पे अटल विश्वास रहेगा, ये काम हो सकता है. या तो आप ये करेंगे या आप सरेंडर कर देंगे कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था समर्पयामी, ठीक है, वो आप कर देना. सो देखना ऐसा ही होगा, एंड आई कैन फील लाइक यू नो द डिवाइन एसेंस विल बी इन इट्स मैग्नीफाइड फॉर्म, जो आपको मिलेगा उस जगह पे जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे देखो लिविंग गॉडेस है और यहाँ पे कुछ प्रसाद है, प्रसाद हो, भोग हो, पायसम हो, खीर हो, जैसा भी हो ना, हम बहुत ही ज़्यादा उसको स्वादिष्ट रूप में ही हमें उसको मिलता है. घर में जितना भी खीर बनाओ, पायसम बनाओ, चाहे हलवा बनाओ, दैट डज नॉट गिव टेस्ट एज मच एज डिवाइन फूड डज. डिवाइन फूड का अलग ही बात होता है. सो मे बी यू गेट अ चांस टू ऑफर सम प्रेयर्स एंड बी अ डिवोटी, और फिर आपको वो प्रसाद मिल रहा है. मे बी आप, हो सकता है कि वास्तु दोष के लिए कोई पूजा रखे या कुछ ऐसा करे, अनुष्ठान ऐसा करे, साक्षात भगवान आपके घर में आए इन एनी फॉर्म, एंड डेफिनेटली विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये भी कम नहीं है. विद इन द नेक्स्ट 10 डेज यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स बेसिकली. लेग स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस, आप पैर रखने वाले हैं, है ना, मैंने जानबूझ के तो बनाया नहीं होगा इसको. स्टेपिंग इन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. बास्केट रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, आपका हुनर के वजह से आपको रिकॉग्नाइज्ड होना, या लोग, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आपके ऊपर लोग मतलब निर्भर करेंगे, मतलब दे विल डिपेंड ऑन यू कि आप हाँ करोगे तो हो जाएगा काम. इम्पॉर्ट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, जो भी प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट 10 डेज में वो ख़त्म होंगे. लैडर क्लाइंबिंग टूअर्ड सक्सेस, सो आप ऊपर उठने वाले हो, सक्सेस की तरफ जाने वाले हो. फ्लूट डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे कुछ आपकी हताशा हो सकती है अगर आप उम्मीद रखते हो अपने लवर के ऊपर या किसी फ्रेंड के ऊपर, सो हताश वो कर सकते हैं, वो गारंटी नहीं है कि वो हताश नहीं करेंगे वो आपको. बोट मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल, ठीक है, बोट मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस विनिंग और विंडफॉल, मतलब कुछ तो आपको हेरिटे मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू
आपको मिल रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण मैंने आपको दिया है कि ये चीज़ आपके लिए हो सकता है। सो क्लेम दिस रीडिंग बाय 10 एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम इट बाय 4-4। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, लव यू अलॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।